हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बीरबल साहू, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम देखेंगे हाफ रेंज फूरियर सीरीज। लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि हाफ रेंज फूरियर सीरीज क्या होती है, ठीक है। फिर भी आज हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हाफ रेंज फूरियर सीरीज होता क्या है, ठीक। देखिए, हाफ रेंज फूरियर सीरीज क्या है। हाफ रेंज फूरियर सीरीज को हम दो पार्ट में बांट के रखे हैं। पहला कहता है आपको फूरियर कोसाइन सीरीज और अगला कहेगा आपको फूरियर साइन सीरीज करके। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, फूरियर कोसाइन सीरीज। क्या कहता है फूरियर कोसाइन सीरीज, ये देखते हैं। चलिए, ये कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to 1, 0 to 12, देन द फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपांसन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन द हाफ रेंज इंटरवल 0 to 12 इज गिवन बाई, ठीक है। कहता है कि हमने एक फंक्शन मान के रखा है एफ ऑफ एक्स जो कंटिन्यूस फंक्शन है, किस पे, लिमिट 0 to 12 पे, ठीक है। हमने माना है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और किस पे फंक्शन है, वो इंटरवल 0 to 12 पे फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। आगे कहता है देन द फूरियर कोसाइन सीरीज, तब इसको हम कैसे क्या है कोसाइन के बेस पे क्या कहते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। तब कहता है देन द फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सप्रेस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन द हाफ रेंज इंटरवल, ठीक है। तब क्या कहेगा यहाँ, तब ये कहता है कि फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपांसन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन द हाफ रेंज इंटरवल 0 to 12 इज गिवन बाय, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको एक्सप्रेस करेंगे किस पे, इंटरवल 0 to 12 पे, इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा आपके पास, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन इनफिनिट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस 2n πx/2l, ठीक है। ये आपके पास बनेगा, तो 2l में क्या हो जाएगा, 2 और 2, 12 में क्या हो जाएगा, 2 और 2, आप क्या कर दिए, 2 और 2 को आपने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास सिर्फ बचा क्या, यहाँ से आप देखेंगे आपके पास रह क्या जाएगा, आपके पास रह जाएगा यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन इनफिनाइट n इक्वल टू वन और दिया है ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। कहने का मतलब देखिए, फूरियर कोसाइन सीरीज में आप क्या करते हैं, फूरियर कोसाइन सीरीज में आप सिर्फ कॉस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसमें आपके पास साइन वाले पार्ट नहीं रहेंगे, इसमें आपके पास साइन वाले पार्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ कॉस वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है। और जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, 0 to 12 रहेगी, मतलब बी और ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 0 और बी की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए एल, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। तो इसी के बेसिस पे हम क्या सॉल्व करते हैं, इसी के बेसिस पे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए नॉट दिया ना, वेयर ए नॉट इक्वल टू 2 πL इंटीग्रेशन 0 to 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। नेक्स्ट आपको कहता है यहाँ से ए एन 2 πL 0 to 12 एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन डी एक्स, ठीक है। अभी 2 क्यों लग रहा है आपको मालूम है, किसकी प्रॉपर्टी से लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन की, है ना। इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसी के बेसिस पे हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, 12 को हम अप्लाई कर 2 को अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो अगर लिमिट होती तो क्या बनती, ऐसे लिमिट होती तो होती -L to L करके, ठीक। अब देखिए इसी में आपको क्या दिया गया है, इसी में आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी में आपको दिया गया है फूरियर साइन सीरीज का। देखिए ऊपर कहता है इसके लिए है, वो पहले कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए है, एट अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी द फूरियर सीरीज टू एफ ऑफ एक्स, है ना। एट अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फूरियर सीरीज टू एफ ऑफ एक्स करके दिया गया है, क्लियर। चलिए इसी में हम देखते हैं क्या दिया आपको, इसी में दिया है फूरियर साइन सीरीज। तो फूरियर साइन सीरीज के बारे में जब दिया है तो हम क्या बताएंगे, देखिए ये कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी द कंटिन्यूस ऑन 0 to 12 देन द फूरियर साइन सीरीज, देन द फूरियर साइन सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन 0 to 12 इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स समेशन इनफिनाइट एन इक्वल टू वन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ भी 2 आता, उस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ
साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? साइन के लिए, क्योंकि कहा गया है ये साइन सीरीज के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, ये दो पार्ट में पड़ गया। हाफ रेंज फूरियर सीरीज के हैं, तो हाफ रेंज फूरियर सीरीज का मतलब समझ में आ गया कैसे रहता है। हाफ रेंज फूरियर सीरीज मतलब एक बार हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, कोसाइन के लिए, और सेकेंड टाइम किसके लिए सॉल्व करते हैं, सेकेंड टाइम सॉल्व करते हैं साइन के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसके आगे कहता है आपको, बी एन इक्वल टू टू अपॉन एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स करके। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहेगा। फिर ये आगे कहता है, एट बोथ द एंड पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एल द सीरीज कन्वर्जेंस टू जीरो। ठीक है, दोनों पॉइंट के जो दोनों पॉइंट का जो एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, एक्स के वैल्यू क्या रखोगे आप, जीरो रखोगे, तो इस सीरीज में क्या होगी, तो सीरीज क्या हो जाएगी आपके पास, कन्वर्जेंस हो जाएगी। तो कन्वर्जेंस किस पे होगी, जीरो पे वो कन्वर्जेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना, किसके लिए, कोसाइन सीरीज के लिए हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो कोसाइन सीरीज के लिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कहता है एग्जाम्पल के लिए, है एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एज ए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द रेंज जीरो टू जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू, जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू, इसमें लिमिट आपको दी गई है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं सॉल्व। सॉल्व लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बी रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस सच दैट इन द रेंज माइनस टू 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 वी गेट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने मान लिया कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स का है एक फंक्शन है एक्स, और एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन किसके लिए, हमने मान लिया यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बी रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सेस, किसके लिए है वो वाई एक्सेस सच दैट इन द रेंज, रेंज क्या बनाया हमने माइनस टू 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 बना दिया। देखो हमारे पास वहाँ पे क्या दिया है, जीरो टू एक्स दिया हुआ है, जीरो टू था जीरो टू टू दिया हुआ है, जीरो टू टू। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए जीरो टू टू दिया हुआ है, मतलब हमने क्या किया, जीरो टू टू से हम क्या किया उसको हम यहाँ पे बनाए हैं। कैसे बना सकते हैं, चलो माइनस टू टू टू, है ना, जैसे बनाते हैं माइनस फाइव टू फाइव वैसे। ठीक है, तब कहता है देखिए, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल माइनस टू टू टू। अब जब फंक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए फंक्शन जब मैं इसको बनाता हूँ, बनाते हैं तो क्या बनेगा, फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स देन जीरो टू जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू एंड माइनस एक्स वेन माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन ज़ीरो। ठीक है, देखिए जीरो टू टू जाएंगे और माइनस टू टू कहाँ जाएगा, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, तब क्या हो जाएगा, देखिए आगे, हैंस द फूरियर एक्स एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द फूरियर एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए क्या कहेगा देखते हैं, ये कहता है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन इनफिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास लिमिट क्या दी है, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू आपके पास टू है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं इसी पे, तब क्या कहेगा आप देखिए, जब बनाएंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन इनफिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फूरियर सीरीज किसके लिए, कोसाइन के लिए। अब इसमें हम क्या क्या फाइंड करना पड़ता है, अब इसमें हमको फाइंड करना पड़ता है स्टूडेंट ए नॉट और ए एन को, क्योंकि कोसाइन सीरीज में हम क्या निकालते हैं, सिर्फ कॉस वाली सीरीज को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए। आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ से, आप ए नॉट को फाइंड करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वेयर ए नॉट इक्वल टू टू बाई एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए अब यहाँ जब बनाएंगे तो क्या दिखाएगा आपको, टू, तो हो जाएगा टू बाई टू जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, और एल की वैल्यू टू दी है ना ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे टू रखे हैं। ठीक है ना, तो
टू और टू कैंसिल हुआ तो अब हमारे पास बचेगा क्या, जीरो टू टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या दिया है। अब इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनके इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट हो जाएगी जीरो टू टू। अब उस लिमिट को आप रख के सॉल्व करिए, देखिए आंसर कितना आता है ना। अब टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा उसका फोर बाई टू, लास्ट में क्या बचा आपके पास टू। तो ए नॉट इक्वल टू क्या निकला आपके लिए, ए नॉट इक्वल टू निकलेगा स्टूडेंट आपके पास टू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें एन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए कहता है अब क्या निकालना है आपको, ए एन निकालना है। तो ए एन के लिए फार्मूला क्या है, ए एन के लिए आपके पास फार्मूला होता है टू बाई एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स करके। तो यहाँ पे आप जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब एल की वैल्यू तो टू है, तो टू बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू टू एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई टू डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टू एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए, क्या अप्लाई करेंगे इसमें आप, इसमें आप अप्लाई करेंगे चेन रूल, है ना। जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन आप लेंगे एक्स को, सेकेंड फंक्शन आप लेंगे कॉस एन पाई एक्स बाई टू। ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो टर्म्स क्या दिखाता है, एक्स इंटू टू अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई एक्स बाई टू माइनस टू अपॉन एन माइनस टू एन पाई कॉस एन पाई एक्स बाई टू, लिमिट हो जाएगी जीरो टू टू। ठीक है, लिमिट हो जाएगी जीरो टू टू। ठीक, तब आप क्या कहेंगे, देखिए यहाँ से ए एन इक्वल टू जीरो माइनस टू अपॉन एन पाई इंटू टू अपॉन एन पाई माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई टू जीरो टू टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीरो वाला पार्ट है तो कैंसिल, अब ये टू को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। तो क्या हुआ, ए एन इक्वल टू फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स बाई टू जीरो टू एन, जहाँ पे क्या बनेगा आपके पास साइन पाई एन जो बनेगा वो हो जाएगा आपके पास जीरो होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, देखिए नेक्स्ट में आपके पास आता है, नेक्स्ट आपके पास बनेगा फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे अब तो हो जाएगा कॉस एन पाई टू बाई टू माइनस कॉस एन पाई जीरो बाई टू। तो यहाँ पे टू और टू तो कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास कॉस एन पाई बचेगा, अब माइनस क्या बचेगा यहाँ पे वन, क्यों, बिकॉज जीरो की वैल्यू होती है हमेशा वन होती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास बचेगा वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी में आगे देखिए क्या दिया आपके पास, ये दिया है ए एन, तो ए एन आपके पास क्या बना, क्योंकि कॉस एन पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं माइनस वन पावर एन रख सकते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस वन पावर एन माइनस वन। सो द फूरियर सीरीज, देखिए तब ए नॉट है ए एन की वैल्यू निकल गई, अब इसके बाद हम बना सकते हैं इसके लिए फूरियर सीरीज कैसे बनेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगी इसके लिए फूरियर सीरीज। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं स्टूडेंट, सो द फूरियर सीरीज क्या था हमारे पास, फूरियर सीरीज इस वैल्यू बस रखनी है हमको। सो द फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन इनफिनिट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन पाई बाई टू। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब रखते जाइए वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू क्या है टू, तो टू बाई टू प्लस समेशन इनफिनिट एन इक्वल टू वन फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस वन पावर एन माइनस वन हो जाएगा वन कॉस एन पाई एक्स बाई टू। ठीक है, फिर कहता है वन प्लस फोर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन वन पाई स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स एन कॉस पाई एक्स बाई टू प्लस क्या दिया उसके बाद जीरो माइनस टू बाई थ्री का स्क्वायर कॉस थ्री पाई एक्स बाई टू। देखिए आप यहाँ पे क्या रखें, वन रखें टू वाला पार्ट जो आएगा, तो देखो कहने का मतलब है इस सीरीज में क्या रहेगा हमारे पास जो टू वाला पार्ट है, टू वाला पार्ट कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास जो इवन ऑड की सीरीज बनती है, तो जो इवन नंबर की सीरीज रहेगी वो जीरो हो जाएगी, केवल ऑड नंबर की सीरीज क्या है वो चलती रहेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर आप सिर्फ दिखा रहा है
टू बाई वन स्क्वायर दिखा रहा है और टू बाई थ्री का स्क्वायर, टू बाई टू का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, वो क्या दिखा रहा है आपको, जीरो दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है तो देखिए इस प्रकार जो x की वैल्यू निकलेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस को आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, माइनस को भी कॉमन ले लिया और टू को भी कॉमन ले लिया, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, फोर इंटू टू एट हो गया, तो एट अपॉन पाई स्क्वायर, वन अपॉन वन स्क्वायर कॉस पाई एक्स बाई टू, प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर कॉस थ्री पाई एक्स बाई टू, प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर कॉस फाइव पाई एक्स बाई टू करके प्लस एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से बनता है ये इसका आंसर। इसके लिए हो गया स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ रेंज फूरियर सीरीज के लिए उसका क्वेश्चन और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे फूरियर सीरीज की। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।